नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED 4 सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने फिर से 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर नंबर 4 है। इससे पहले हम 18 प्रश्नों के 3 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं और उनके सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अच्छे से अच्छे 18 प्रश्नों का इस वीडियो में संकलन किया गया है। अगर आपने ये मॉडल पेपर पूरी तरह से सॉल्व कर लिया तो ये मान के चलिए आपके 25 में 25 नंबर पक्के, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही प्रश्नों का समावेश करते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उसी तरह के पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का। तो ये आपके सामने मॉडल पेपर उपस्थित हो चुका है और ये 1 घंटे का पेपर है और ये मैक्सिमम मार्क्स इसके 25 हैं, यानी बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, और जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं, यानी 1 से 11 तक एक एक नंबर के, 12 से 18 तक 2-2 नंबर के। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 12/96 बराबर ?2, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 8, 16, 32 या फिर 24, जो भी सही है नीचे कॉमेंट में बताएं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी शंकु के मात्र ऊंचाई 2 गुना करने से शंकु का आयतन कैसा हो जाएगा, यानी अगर किसी शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो शंकु के आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो 2 गुना हो जाएगा, क्या वो 4 गुना हो जाएगा, या फिर 6 गुना, या फिर 8 गुना। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बता दीजिए, या फिर अपनी कॉपी में कहीं भी नोट करके रख लीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 2 समान समलंब को मिलाने से क्या बनता है। आपके पास ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्गाकार आकृति और घनाकार आकृति। देखो, समलंब का हम आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर 2 समलंब को मिला दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। देखिए, ये वाली दोनों जो भुजाएं हैं ये समांतर होती हैं, ठीक है। समांतर का अर्थ होता है अगर आप इसको चाहे जहां तक बढ़ा दें ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ठीक है, ये हमेशा समान दूरी पर रहती हैं, तो ऐसी भुजाओं को हम समांतर भुजाएं कहते हैं। तो समांतर भुजाएं जो हैं ये समांतर, ये 2 समान समलंब को मिलाने से क्या बनता है ये आपको बताना है, क्लियर। आपके सामने ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्गाकार आकृति या फिर घनाकार आकृति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में 50 डूब जाते हैं, समुद्र पार जाने वाले जहाज के डूबने की प्रायिकता क्या होगी, 50/100, 50/150, 10/50, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, sin 60 + cos 60 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है √3 + 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है √3/2 और चौथा ऑप्शन है √3/2 + 1। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट, कम से कम इन 5 बहुविकल्पी प्रश्नों का जो उत्तर है आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बता दीजिए। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप अपनी कॉपी में कहीं नोट करते चलिए। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर है, अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो चुके हैं। एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। देखो, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए आपको बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आना चाहिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, x²-2x-48 = 0, इसको आपको हल करना। देखिए, हल करने का यहाँ क्या मतलब होता है, मैंने कई बार बताया, अगर बाद में बराबर 0 लगा है तो इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो वह संख्या ज्ञात करो। क्लियर हो गई बात, ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पर छिपा हुआ हो, सब कुछ आपके प्रश्न में दे रखा है, आराम से आप निकाल लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज की कोई 2 विशेषताएं लिखो, आराम से लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज मैंने पढ़ाया भी है आपको। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 64 गुना है तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। आसान सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11,
प्रश्न संख्या 11 यहाँ पर बोला जा रहा है दो कोण का अनुपात 5:4 है, यदि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक हो तो उन कोणों का मान ज्ञात करो। यानी कोई दो कोण हैं, उनका अनुपात दे रखा है 5:4 और ये भी बताया जा रहा है कि एक कोण दूसरे से 10 डिग्री अधिक है तो उन दोनों कोणों का आपको मान ज्ञात करना है। बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पहला है यानी 12वां क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है और यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो जो भी भिन्न आएगी वो आपको यहाँ पर निकालना है। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, 1/(x²+5)=1/9, तो x का मान ज्ञात करो। बेहद आसान क्वेश्चन मैंने 2 नंबर में डाल दिया है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन और संपूर्ण प्रस्थ ज्ञात करो। देखो सब कुछ बता दिया यहाँ पे, आयतन सिर्फ फॉर्मूला लगाओ अपना आंसर निकालो, संपूर्ण प्रश्न निकाल दो फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। देखो यहां पर साइन ए की वैल्यू दे रखी, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है। देखो अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जरूर देख लीजिए, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगला यहां पर प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 यहां पर बोला जा रहा है कि मध्यिका ज्ञात करो, मध्यिका ज्ञात करो और ये आपके सामने पूरी टेबल दे रखी है। अब यहां से आप पद और बारंबारता लेकर जैसे भी मध्यिका निकालते हैं आराम से मध्यिका निकालिए और जो उत्तर आए नीचे कॉमेंट में बताइए। 17वां क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय लिखो। देखिए दो पासे हैं, दो पासों को एक साथ फेंका गया, अब जब फेंकेंगे तो उनके ऊपर कोई ना कोई नंबर आएगा जरूर, चाहे 1 आए 2 3 4 5, दूसरे पासे में भी कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो यहां पर हमें यह देखना है दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने, यानी ऐसी कंडीशन बने कि दोनों पर विषम अंक आए ऊपर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूं, जैसे एक विषम अंक है और दूसरा 3 विषम अंक हो सकता है, 5 विषम अंक हो सकता है, अब इसके बाहर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 1 से 6 तक ही पासे में अंक होते हैं, तो या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर पासे में आया कैसे, जैसे दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो ये हमने दो पासे ले लिए, अब इनमें किसी में 1 आ जाए और किसी में 3 आ जाए, तो ये देखिए दोनों पासों में ऊपर विषम अंक आ गए, तो ऐसी कंडीशन हमें ढूंढनी है कि कुल मिलाकर कितनी कंडीशन ऐसी हो सकती हैं, तो उनको समुच्चय के रूप में लिखना है। जैसे मान लेते हैं पहले पासे में 1 आ गया और दूसरे पासे में 3 आ गया, तो ये हमने 1 समुच्चय लिख दिया। अब इसी तरह और कितने समुच्चय बनेंगे ये आपको नीचे कॉमेंट में बताना है, ये 17वें नंबर का क्वेश्चन अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेना, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, समुच्चय बनाना है आपको। प्रश्न संख्या 18 है, 13/122 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करो। यानी 13,122 में कौन सी छोटी संख्या से भाग दे दें कि जो भागफल हो वो पूर्ण घन बन जाए, ठीक है, और फिर जब वो भागफल मिल जाएगा यानी जो पूर्ण घन आपको मिल जाएगा उसका आपको घनमूल भी निकालना है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट तो नहीं है। कहीं आप जो संख्या निकाल रहे हैं, मालूम जो छोटी छोटी संख्या निकाल रहे भाग देने के लिए, कहीं उसका घनमूल नहीं निकालना है आपको, घनमूल आपको उसका निकालना है। जैसे 13,122 में कोई छोटी छोटी संख्या भाग देंगे उसके बाद जो भागफल आएगा वो घन पूर्ण घन होगा और उस पूर्ण घन का आपको घनमूल भी ज्ञात करना है। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं कि 18 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, इनका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो बिल्कुल पूछने से हिचकिचाइए मत, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो कोई और करने नहीं आएगा। इसीलिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो नीचे कमेंट में जरूर बता दिया करिए, ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो नीचे कमेंट में पूछिए, और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं यहाँ पर उन सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर चाहिए। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और DLED 4th सेमेस्टर की जो भी परीक्षा देने जा रहा है उन सभी स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।